तो आखिरकार अब मैं पहुँच चुका हूँ हवा महल के ऊपर। ये देखे मेरे पीछे हवा महल का मेन रोड से व्यू, और ये ऐसा दिखता है। देखिए एक बार इसका मेन गेट इस साइड है, वहाँ पे भी चलेंगे। इसके अंदर जाने के लिए 50 रुपये की टिकट मिलती है, और इसके सामने से भी इसका व्यू अच्छा आता है। फिर चल के देखते हैं। रोड क्रॉस करना बहुत है। तो हम आ चुके हैं अब रोड की दूसरी साइड, और ये देखिए हवा महल कुछ इस तरह का दिखता है बाहर से। और ये इस साइड जो रोड है ये जा रहा आमेर की तरफ, और इस साइड से हम आए हैं जहाँ से बस आ रही है। और यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चल रहे हैं अभी। तो चलिए, इसके अंदर चलने का गेट है ना वो उस साइड है, दूसरी साइड में वहाँ से जहाँ से आया हूँ। चलिए वो भी चल के देख लेंगे उसके बाद वहाँ जाके। हवा महल का निर्माण 1799 में सवाई राजा प्रताप सिंह ने करवाया था, और ये एक मुकुट की तरह दिखता है। देखिए इसके ऊपर हर एक वो मतलब छोटी छोटी आपको खिड़कियां नजर आएंगी, और यहाँ पे काफ़ी फोटो शूट चल रहे हैं, प्री वेडिंग फोटो शूट। चलिए वहाँ चल के जूम करके देखते हैं, काफ़ी प्री वेडिंग फोटो शूट चल रही है, काफ़ी चलन चला हुआ अब इस चीज़ का। इसके ऊपर ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, इसके ऊपर से इसको देखने का भी एक एंगल बनता है, यहाँ से भी आप देख सकते हो इसको। और इसके अंदर जाने की 50 रुपये की टिकट है, और स्टूडेंट का पता है नहीं क्योंकि मैं गया नहीं उसके अंदर। चलो चल के देख लेते कि स्टूडेंट कितने रुपये की टिकट है इसके अंदर, वो इसके अंदर जाके पता चलेगा। और ये रोड सीधा मैंने बता ही दिया कि आमेर की तरफ जाएगा। वो देखिए तब तक आप प्री वेडिंग शूट देखिए, वो वहाँ पे चल रहे हैं, और कुछ लोग अभी वहाँ पे पहुँचे हैं। जैसा कि मैंने बात की थी, जो बोले इसके दो गेट मतलब दो पोर्शन बंद है और एक खुला हुआ है, तो जाने का कोई फ़ायदा नहीं। सिया तो आप सिटी पैलेस या जंतर मंतर जाके देख लो, तो इसलिए मैंने इसके अंदर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। आगे कभी खुले आप आओ, 50 रुपये की इसके अंदर टिकट लगती है जाने की, और यदि आप स्टूडेंट हो तो 10 रुपये की टिकट लगेगी। तो यदि आप आओ तो घूम के जा सकते हो। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया हुआ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।